हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम जो ब्रेन ट्यूमर है उसके ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। इन शॉर्ट में 5 मिनट्स का वीडियो रहेगा। इसमें जो है वो आपका जो ब्रेन ट्यूमर है उसको क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं वो देखने वाले। तो सबसे पहले जब ब्रेन ट्यूमर रहता है तो क्रैनियोटोमी की जाती है। क्रैनियोटोमी मीन्स क्या रहता है, ये जो ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाता है। अलग अलग टाइप के ट्यूमर रहते हैं, जैसा ट्यूमर रहता है वैसा उसका जो आपका ट्रीटमेंट है वो रहता है। कभी किसी में क्रैनियोटोमी किया जाता है, कभी किसी में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, कभी किसी में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। सो अलग अलग ट्रीटमेंट का यूज वहां पे किया जाता है। सो जो क्रैनियोटोमी रहता है उसमें क्या किया जाता है, जो हेड है उसके अराउंड जो हेयर्स रहते हैं उसको रिमूव किया जाता है। देन स्किन को रिमूव किया जाता है। स्किन के अंदर आपका स्कल रहता है जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, और ये जो खोपड़ी के बोन है उसको भी रिमूव किया जाता है। और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे परत है उसको ड्यूराज ऐसे बोलते हैं, ये ड्यूराज और लेयर जो है उसको रिमूव किया जाता है। और उसके बाद जो अंदर जो ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाता है। जनरली ये जो प्रोसीजर है इसको क्रैनियोटोमी बोलते हैं। क्रैनियोटोमी जो है उसमें ये जो आपका स्काल्प रहता है, ये जो स्कल का पीस रहता है वो रिमूव करके अंदर जो है वो आपके ब्रेन की सर्जरी की जाती है, इसको हम क्रैनियोटोमी बोलते हैं। सो ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट, द ब्रेन ट्यूमर वेदर प्राइमरी और मेट्स बिनाइन और मैलिग्नेंट यूजुअली ट्रीटेड विथ सर्जरी रेडिएशन और अ कीमोथेरेपी along with various combination is used. While it is true that radiation or chemotherapy also used more often for the malignant. अभी आपका जो brain tumor है उसके लिए क्या use किया जाता है, ये primary है secondary है वो तो अलग चीज़ है कि वो वहाँ से ही grow हो रहा है या बाहर से आया है, दूसरे organ से वो spread हुआ है वो तो अलग चीज़ है। लेकिन उसका जो treatment वे रहता है उसमें एक तो surgery कर सकते हैं, देन रेडिएशन मीन्स जहाँ पे आपका जो ब्रेन ट्यूमर है उसको रेडिएशन दिया जाता है, और रेडिएशन थेरेपी थ्रू उसका जो ट्यूमर है उसको कंट्रोल किया जाता है, ऐसा कंसिडरेशन ये रेडिएशन में किया जाता है। देन इसमें जो है वो कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। अभी ये कीमोथेरेपी क्या रहते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो जो आपके ब्रेन ट्यूमर को कम करने वाले हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस है ऐसे जो मेडिसिन है वो आपके आईवी थ्रू मीन्स इंट्रावेनस के वेंस थ्रू आपके बॉडी के अंदर पुश किए जाते हैं और आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंडक्ट किया जाता है। थेरेपी को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। सो कीमोथेरेपी आपको समझ में आया, केमिकल्स का यूज करके जो आपका ट्यूमर है उसको कंट्रोल किया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो रेडिएशन का यूज करके आपके जो ट्यूमर है उसका साइज कंट्रोल किया जाता है उसको हम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। ऑल्सो सर्जरी, मैंने अभी आपको बोला कि सर्जरी का तो यूज करते ही है, ट्यूमर जो है उसको रिमूव करते हैं, और कभी कभी ये जो ट्यूमर है वो कैंसरस है और नॉन कैंसरस है ऐसा देख के कॉम्बिनेशन ऑफ जो ट्रीटमेंट है उसका यूज किया जाता है। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स क्या, मीन्स आपका जो ट्यूमर है वो कैंसरस है, कैंसर क्या करता है एक भी सेल रह गई तो उसका रिफॉर्म हो जाता है, रिफॉर्म मीन्स रिकरेंस जो है वो हो जाता है, और रिकरेंस हुआ तो क्या हो जाएगा अगेन जो है वो ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, सर्जरी तो की जाती है, अल्सो जो आपका पार्ट है उसको रेडिएशन जो है वो दिए जाते हैं, अल्सो उसको कीमोथेरेपी का भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो आपका ट्यूमर है वो वापिस वहाँ पे ग्रो नहीं होना चाहिए। सो कुछ डिसीजंस में ऐसा भी किया जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी रेडिएशन और सर्जरी तीनों का भी यूज किया जाता है। जो नॉन कैंसरस है मीन जिसको हमने बिनाइन बोला है कि जो कैंसरस नहीं है, छोटी सी गांठ है या पानी की गांठ है, तो उसके लिए आपको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी की यूज किया नहीं जाता। इट्स अ ट्रू दैट द रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी आर यूज मोर ऑफन फॉर द मैलिग्नेंट रेसिडुअल और रिकरेंट ट्यूमर। मीन्स क्या, जिनको कैंसर है या जिनमें रिकरेंस हो रहा है, वापस कैंसर आ रहा है, ऐसे पेशेंट में रेडिएशन और कीमोथेरेपी का यूज किया ही जाता है। बाकी के पेशेंट में कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी ज़्यादातर यूज नहीं की जाती। ट्रीटमेंट टू यूज आर मेड ऑन द केस बाय केस बेसिस और डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसको जो है वो कैंसर के सेल है तो इसको इमीडिएट जो है वो कीमोथेरेपी देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे, ऐसा नहीं है। कितना कैंसर बढ़ गया है और कितना अदर ट्यूमर है
ऐसा कंसिडर करके केस बाय केस डिफरेंट केसेस रहेंगे जैसा उसका ट्रीटमेंट जो है वो रहेगा। देर आर रिस्क और साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद ईच थेरेपी। अभी ये कैंसर को कंट्रोल करने वाले हैं, ऑब्वियसली आपके बॉडी को तो खराब करने वाले रहेंगे, सो ऐसे जो ट्रीटमेंट रहेंगे उसमें साइड इफेक्ट भी रहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कीमोथेरेपी मीन्स क्या किया जाता है। ऐसे जो मेडिसिन है वो आपके बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं वो, और ब्रेन ट्यूमर को कंट्रोल किया जाता है। सो कीमोथेरेपी इज मेडिटेशन और टिपिकली गिवन टू द इंट्रावेनसली टू स्टॉप द सेल डिविजन एंड इज एब्सॉर्ब थ्रू द एंटायर सिस्टम। आपकी पूरी बॉडी जो है वो ऐसा जो केमिकल है और मेडिसिन है उसको एब्सॉर्ब करेगी और ये जो ब्रेन ट्यूमर है उसको कंट्रोल करेगी। रेडिएशन थेरेपी क्या रहती है, ब्रेन ट्यूमर है तो आपके ब्रेन को ही रेडिएशन दिया जाता है, और ऐसा जो लोकलाइज ट्रीटमेंट रहता है उसको हम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। लोकलाइज ट्रीटमेंट दैट यूज हाई एनर्जी बीम्स टू टारगेट द ट्यूमर इटसेल्फ। मीन्स क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक को हम क्या बोलते हैं कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या किया केमिकल्स जो है मींस मेडिसिन दे रहे हैं आपको, मेडिसिन दे के क्या पूरे आपके बॉडी में वो मेडिसिन घूमता रहेगा, ब्रेन ट्यूमर के वहां जाएगा उसको कंट्रोल करेगा। सेकंड क्या रहती है रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में क्या है आपको ब्रेन में रेडिएशन दिए जाते हैं, जहाँ पे ट्यूमर है उसी जगह पे दिए जाते हैं, बाकी जगह पे दिए नहीं जाते, क्योंकि ये जो रेडिएशन है इसकी वजह से आपको बाकी भी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। सो ये जो है वो हाई रेडिएशन बीम्स रहते हैं और वो सिर्फ वही जो ट्यूमर है उसी जगह को टारगेट किया जाता है। अभी आपको समझ में आया कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी क्या रहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। ऑल्सो सर्जरी का भी यूज किया जाता है ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।